दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल सीखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं आपको कुछ एक एंगल के बेसिक नाम बताऊंगा और फिर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज सीखेंगे ट्राइंगल की। दोस्तों जो सबसे पहले हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि जो ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों, ये ट्राइंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। दोस्तों जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है एक ट्राइंगल की वो इस तरह से काम आती है कि जो भी एंगल है ट्राइंगल के, ए एंगल बी और एंगल सी, तीनों का सम दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात होती है। फिर हम बताते हैं आपको एंगल्स के बारे में, कुछ जानकारी देते हैं, उनके नाम बताते हैं। एक्यूट एंगल होता है दोस्तों कि जब एंगल ऑफ ट्राइंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं। तीसरा दोस्तों होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इस केस में अगर ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो हम उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोल देंगे। फिर हमें मिलता है दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फंडामेंटल ये होता है, अगर कोई भी एक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो वो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। फिर हम देखते हैं बेसिक ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्वल एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब होता है दोस्तों जब सारी साइडें, ऑल साइड्स और ऑल एंगल, ये जितनी भी साइड और जितने भी एंगल अगर बराबर होते हैं, आर इक्वल, तो दोस्तों ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस केस में जितने भी एंगल होते हैं दोस्तों वो होते हैं 60 डिग्री के, क्योंकि मैंने बताया था तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, प्लस 60 और कितने बन गए, 180, तीनों मिला के 180 डिग्री बन गए। और ये दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। और दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल के और नाम होते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। दोस्तों ये इस टाइप का ट्राइंगल होता है जिसमें एनी टू साइड और एनी टू एंगल्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, तो ये दोस्तों आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाता है। और छठी जो है बेसिक एंगल की प्रॉपर्टी देते हैं वो होते हैं दोस्तों स्किलिन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं दोस्तों अनइक्वल। गौर कीजिएगा, ये अनइक्वल होते हैं, इसका मतलब कोई भी साइड कोई भी एंगल बराबर नहीं होता। ये एक ओवरव्यू हो गया अगर हम एंगल के फॉर्म में, एंगल के नजरिए से किसी भी ट्राइंगल को देखें। आइए दोस्तों और बेसिक प्रॉपर्टीज सीखते हैं ट्राइंगल की, क्या क्या होती हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ ए बी सी और इसकी मैं अगर तीन लेंथ बनाता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के एक कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ लिख देता हूँ, इसकी लेंथ है बी, इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है सी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की जिसमें बोला जाता है दोस्तों लेंथ ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड की लेंथ, कोई भी दो साइड की लेंथ बड़ी होगी तीसरी साइड से, हमेशा ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं सी प्लस बी, वो किससे बड़ा होगा, ए से। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं बी प्लस ए सी लेंथ से, मतलब थर्ड लेंथ से, तो इसको मैं कह सकता हूं कि जो सम है लेंथ का वो हमेशा बड़ा होगा दोस्तों दो साइड का कंपैरेटिवली थर्ड साइड से। आइए दोस्तों और बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं ट्राइंगल की क्या होती है। सिमिलरली अगर मैं यही प्रॉपर्टी को रिवर्स वे में लिखूं और यहां नेगेटिव साइन लिख दूं, यहां माइनस साइन कर दूं, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अगर दो साइड का डिफरेंस देखें वो हमेशा और हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं सी माइनस बी, ये छोटा होगा ए से, और ये हो गया दोस्तों बी माइनस ए, ये छोटा होगा सी से। इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो दोस्तों डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो ये एक प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताते हैं ट्राइंगल की। दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको एक डायग्रामेटिकली व्यू में एंगल्स बनाना चाहूंगा। मान लेते हैं मेरे पास एंगल बी है 90 डिग्री का, ठीक है, एंगल ए है 60 डिग्री का, और एंगल सी है दोस्तों मान लेते हैं 90 डिग्री का। इस तरीके से ये सारे एंगल बने हुए हैं, तो जो एंगल 90 डिग्री है वो बड़ा है एंगल 60 डिग्री से, वो बड़ा है एंगल 30 डिग्री से। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एंगल बी बड़ा है एंगल ए से और एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, ये तो सभी को दिख रहा है यहाँ पे। बट अब प्रॉपर्टी ये कहती है दोस्तों जो भी साइड, जो भी एंगल बड़ा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी वैसे ही बड़ी होगी। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब एंगल बी जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बी, वो सबसे बड़ी होगी। एंगल ए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दोस्तों साइड है ए, वो उससे
छोटी होगी, बी से छोटी होगी, बट वो सी से बड़ी होगी, क्योंकि सी दोस्तों जो एंगल है 30 डिग्री, वो सबसे छोटा है। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, जहाँ पर हमें ये रिवील होता है कि साइड किस स्ट्रक्चर में लगी हुई हैं, उनका मापदंड क्या है और कौन सी साइड कितनी बड़ी कितनी छोटी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एंगल भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है। हम लोग आंसर ढूंढने में लग जाते हैं, एंगल ढूंढने में लग जाते हैं, हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं मिलता, पर दोस्तों कभी कभी इन सब प्रॉपर्टीज से ही हमें डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिलता, बट हम एलिमिनेट कर सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस को, और हम जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको टिक करके सही आंसर मार्क कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक तरीका होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन को हैंडल करने का, कि सारे के सारे जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वो ज़रूरी नहीं थे, कुछ ऑप्शन मिलते जुलते होंगे और कुछ ऑप्शन बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यही बताती है कि हमें अप्रोक्सीमेशन, हमें लगभग जो चीज़ हमें नज़र आ रही है उस पर भी काम करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आइए दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास तीनों साइड्स गिवन हैं और तीनों एंगल गिवन हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है साइन रूल। ये साइन रूल क्या कहलाता है, अगर मैं साइड ए कॉरस्पॉन्डिंग साइन ऑफ एंगल ए लिखूं, ये बराबर है रेशियो ऑफ साइड बी साइन ऑफ साइड एंगल बी, ये बराबर है दोस्तों सी साइन ऑफ एंगल सी, और ये किसके बराबर है, टू टाइम्स ऑफ आर। आर क्या है यहाँ पे, आर है दोस्तों सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है, अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल बनाऊँ और कोई एक सर्कल इन तीनों वर्टेक्स को काटता हुआ निकल जाए, तो ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है जो कि सर्कमफ्रेंस से एक डिस्टेंस बनाता है, उसको बोलेंगे दोस्तों आर, और वो होता है दोस्तों सर्कम रेडियस। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई भी ट्राइंगल है, इसको नाम देते हैं ए बी सी ही ट्राइंगल है मान लेते हैं, और कोई भी सर्कल दोस्तों इसके वर्टेक्स को काटता हुआ निकल जाए, ठीक है, तो उस सर्कल के जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे सर्कम रेडियस। ये मैंने आपको थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है डायग्राम से। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी दोस्तों काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी जगह पे हमें ये काम आता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बट ये अल्टीमेटली इसका यूज़ बहुत होता है अगर हमारे पास दो साइड गिवन है और दो एंगल गिवन, बहुत यूजफुल फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों एंगल और साइड का रिलेशन बनाने में, ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी काफ़ी काम आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए दोस्तों और सीखते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली साइन रूल के, हमारे पास एक कोजाइन रूल भी होता है। कोजाइन रूल का कहना क्या है कि वो ये कहता है अगर मेरे पास किसी भी ट्राइंगल में दो साइड गिवन है, लेट सपोज मेरे पास दो साइड हैं बी सी और उनके बीच का एंगल एंगल ए गिवन है, तो मैं दोस्तों तीसरी साइड ए निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अगर इसी फिगर में देखिए, मेरे पास अगर बी गिवन है सी गिवन है और मेरे पास इनके बीच का एंगल ए गिवन है दोस्तों, तो मैं साइड ए निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। कोसाइन रूल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ऑफ टू बी सी एंगल ए, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। ए स्क्वेयर हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला में बी सी और साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू रख के, काफ़ी यूज़ होता है दोस्तों ये फॉर्मूला भी कोजाइन रूल का जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डील करते हैं, दो साइड और एक हमें उनके बीच का एंगल चाहिए, हमें ये ट्रिपलेट चाहिए होता है, तो हम ए साइड को इजीली निकाल सकते हैं, और अगर ए साइड निकल गई तो देखिए सिंपल है, साइन रूल में रख देंगे तो ए साइड निकल गई, हमें एंगल ए भी निकल जाएगा। इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं एग्जाम में, एक चीज़ एक फॉर्मूला से एक चीज़ निकल गई, हमें वहीं नहीं बैठना, दूसरे फॉर्मूला में लगा के दूसरी चीज़ भी फटाफट निकालनी है। आइए दोस्तों सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं ट्राइंगल की क्या होती है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए अगर मैं आपको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलूँ इस ट्राइंगल में, वो ये है कि ये जो वर्टेक्सी है यहाँ से इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों ये वाली जो लाइन है ए सी, इसको यहाँ पे एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दो टाइप के एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। इस पॉइंट का हम नाम देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, उसका हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी, एक पॉइंट यहाँ देते हैं, इसका नाम देते हैं दोस्तों क्यू। अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें दोस्तों, तो एंगल ए सी और क्यू बराबर हैं एंगल बी सी और पी के, ये दोनों एंगल दोस्तों बराबर होते हैं, क्योंकि ये आपस में देखिए एंगल कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल बनते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों, ये जो एंगल होते हैं एंगल ए सी
सी और क्यू बराबर है एंगल बी सी और पी के, बट ये किसके बराबर है, ये बराबर है सम ऑफ एंगल बी के। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि एंगल, ये दोनों एंगल बाहर के एंगल हैं, इनको हम बोले तो ये एक्सटीरियर एंगल हैं। इसका रिलेशनशिप बनाते हैं हम इंटीरियर एंगल के साथ। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, देखो दोस्तों कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। कहीं भी आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन हो और आपको इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा हो, आप फट से ये कॉन्सेप्ट लगा के इंटीरियर एंगल का एटलीस्ट सम तक तो पहुंच ही सकते हैं। और अगर आपको इंटीरियर गिवन हो, आपको एक्सटीरियर निकालना हो, फट से रिवर्स वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोस्तों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही यूज़फुल हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। वहाँ पर जो क्वेश्चंस रखे होते हैं वो ये टेस्ट करने के लिए रखे होते हैं कि आपको उन प्रॉपर्टीज़ की क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप किस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक से दूसरे पड़ाव में पहुँचते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंड करना, आपको समझना। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।